राम राम जी। राम राम जी। कौन थी ये? पता नहीं। तो राम राम क्यों करी? अरे तो राम राम बोलने के लिए कोई जान पहचान की जरूरत थोड़ी ना है, किसी को भी बोल सकते हैं राम राम, तो इसलिए बोल दी। इसीलिए कहूँ रोज पार्क जरूर जाना है, पार्क नहीं मिस करना, क्योंकि अनजान लड़कियों को देख के राम राम जो करनी है मैं भी करूँगी, मैं भी लड़कों को देख के राम राम करूँगी, तब पता चलेगा तुम्हें। राम राम। राम राम जी। वाह यार, मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है, तो तुम्हारे लड़के को राम राम करो, उसमें क्या है? राम राम बेटा। अरे आंटी जी राम राम। कैसे हो? बढ़िया। वैसे इन आंटी को भी नहीं जानता था मैं, और ना ही मुझे जानती थी, वो तो कल इनको मैंने राम राम करी थी, तो आज इन्होंने खुद से राम राम कर दी। अरे भगवान का नाम लेने के लिए कोई जान पहचान की जरूरत हो ना, वो तो कोई भी किसी को भी कर सकता है। अरे तुम्हें पता तो है मैं जब अकेले पार्क आता हूँ तो भजन सुनते हुए आता हूँ, उस दिन मैं भजन सुन रहा था कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। बस जब मैं भजन सुन रहा था तो कोई मेरे साइड से जा रहा था, मैंने उसको राम राम किया, उसने मुझे राम राम किया, बस तब से मैं कोई भी होता है उसको मैं राम राम कर देता हूँ, और वो भी मुझे कर देता है, और किसी अनजान लड़की को नहीं बोलता। वैसे मैं वो जो लड़की थी ना वो हमारे पीछे मोहल्ले में रहती है, शर्मा जी की बेटी है, इसलिए उसे बोल दिया। अरे भगवान का नाम है यार, उसमें थोड़ा ना कुछ गलत करूंगा मैं। क्या बात है भैया जी, आज भाभी जी के साथ। राम राम। राम राम भैया। राम राम। जय श्री राम। चलो और बेटा आंटी जी को गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग नहीं पापा, राम राम बोलता हूँ अब तो मैं। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम जी। राम राम। राम राम बेटा। राम राम आंटी जी, कैसे हो?